सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। और भगवान की कृपा हो, कुछ पैसे की व्यवस्था हो जाए और बहुत खूबसूरत मकान बन जाए, तो आप कुछ दिनों के बाद पाएंगे कि उस मकान में रहने के बाद भी आपका मन संतुष्ट नहीं हुआ। जो चीजें आपके दिल को सुकून दे वो नहीं मिल पाया। फिर आपको लगता है कि नहीं यार, ज्यादा धन हो तो जीवन बड़ा सुखी हो जाएगा। बहुत धन भी आपने कमा लिया ना, फिर भी भीतर आपके खाली खाली पन सा रहता है, फिर भी संतुष्टि नहीं होती है। उसका कुल कारण यह है कि संतोष जिससे मिलेगा, आप उधर तो चल ही नहीं रहे हो। आत्मा का जो खुराक है वो है परमात्मा का दर्शन। जब तक परमात्मा न मिल जाए तब तक हमारी आत्मा प्यासी ही रह जाती है प्यारे, कभी पूर्ण नहीं होती है। जब तक वो चीज हमारी आत्मा को न मिले तब तक मन संतुष्ट कैसे होगा। वेद व्यास ऋषि का भी मन असंतुष्ट है, संतोष नहीं है मन में, लग रहा था मैंने कुछ किया नहीं, तो बड़े उदास रहते थे वेद व्यास जी। तो एक दिन उनके आश्रम में नारद जी पधारे। कृष्णस्तु नारदो भ्यागा आश्रमम प्रागुदारहुतम। सारे स्पीकर्स कम करो और सबका कम करो। कृष्णस्तु नारदो व्यागाद आश्रमम प्रागुदारहतम। नारद जी वहां पधारे, लेकिन नारद जी ने वेदव्यास ऋषि को देखा तो बड़े उदास लग रहे थे। पूछा नारद जी ने, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानसये। अरे पाराशर्य, भगवान के दास होकर के आप इतने उदास लग रहे हैं, क्या हुआ? भगवान के दास को तो इतना उदास नहीं होना चाहिए, क्या हुआ आपको? पाराशर ऋषि ने कहा कि पाराशर्य ने वेदव्यास ऋषि ने कहा, क्या बताऊं नारद जी, मैंने इतने ग्रंथों की रचना की, इतने शास्त्र पुराणों की रचना की, फिर भी लग रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं, क्यों? तब नारद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि व्यास जी सच बताऊं, आपने अभी तक जितने भी ग्रंथों की रचना की है ना, वो सब दुनिया वालों के लिए की, संसार के लोगों के लिए की, आपने संतों के लिए कोई रचना नहीं की अभी तक। और सुनो, जब तक आप कोई संतों के लिए रचना नहीं करेंगे तब तक संत प्रसन्न नहीं होंगे, और जब तक संत प्रसन्न नहीं होंगे तब तक आपके दिल को शांति मिलने वाली नहीं। रामायण में भी बाबा तुलसी ने सुख की जब चर्चा आई कि भाई सुख कैसे मिलेगा, और वो भी ऐसा सुख जो टिकाऊ हो, जो कायम हो, क्योंकि हमारे जीवन में सुख आते हैं लेकिन भाग जाता है, वो टिकता नहीं है, तो ऐसा सुख जो टिकाऊ हो वो कैसे प्राप्त हो सकता है? तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को उत्तर दिया है, भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख। लक्ष्मण भैया, ये भक्ति है ना, यही अनुपम सुखों की मूल है। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति मिलही जो संत हो ही अनुकूला, मिलही जो संत, मिलही जो संत
मोही अनुकूला मिलही। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति एक भक्ति ही ऐसी है जो अनुपम सुखों की मूल है, और यह भक्ति प्राप्त होती है संतों के अनुकूल होने से। संत अनुकूल हो जाएं तो हमें भक्ति प्राप्त हो जाती है। मिल ही जो संत हो ही अनुकूला। यहां नारद जी ने भी कहा, हे व्यास जी, संतों को प्रसन्न करो। आनंद चाहते हो, विश्राम चाहते हो, संतों को प्रसन्न करो। अब मान लो कोई सरोवर हो, बड़ा खूबसूरत सरोवर, उसमें कमल खिले हो, लेकिन उस सरोवर में घुटनों भर कीचड़ हो, तो कीचड़ वाले सरोवर में कौवे तो स्नान करेंगे, भले ही उसमें कमल खिला हो, कौवे स्नान करेंगे, लेकिन मान सरोवर के किनारे बैठने वाले जो हंस हैं ना, वो कभी उस सरोवर में स्नान नहीं करेंगे। भले उसमें कमल खिला हो, बड़ा ही खूबसूरत हो, लेकिन कीचड़ है ना, इसलिए वो लोग उसमें स्नान नहीं करेंगे। तो आपके इन ग्रंथों को पढ़ करके ये दुनिया के लोग तो बड़े आनंदित हो जाएंगे, लेकिन संतजन उसमें प्रवेश न करेंगे, क्योंकि राम कृष्ण से रहित ग्रंथ है वो। जब तक भक्ति से ओतप्रोत भीगा हुआ ग्रंथ आप तैयार नहीं करेंगे, तब तक संत स्वीकार न करेंगे। संत तो भक्ति के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। तब नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। चार श्लोकों में भागवत का ज्ञान दिया वेदव्यास जी को, और फिर नारद जी के जाने के बाद व्यास जी ने ध्यान किया और शम्याप्रास नाम के आश्रम में बैठे हैं, और उन्हीं चार श्लोकों की व्याख्या करते 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 18,000 श्लोक बना डाला। 335 अध्याय और द्वादश स्कंध में विभाजित करते हुए बड़ा सुंदर ग्रंथ तैयार किया, श्रीमद्भागवत महापुराण। एक बार भाव से जय जयकार कर लीजिए, बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। बहुत प्यारा ग्रंथ तैयार हुआ श्रीमद्भागवत। लेकिन अब भागवत की रचना होते ही व्यास जी को संतोष तो मिला, लेकिन साथ में एक चिंता भी हुई कि अब इसका प्रचार कौन करेगा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं तो जा ना पाऊंगा, कौन प्रचार करेगा। तब अंतरात्मा ने आवाज दिया कि अपने पुत्र सुखदेव को दिया जाए। पुत्र है इसलिए नहीं, ध्यान देना, पात्र है इसलिए। अच्छी चीज जरूरी नहीं कि अपने पुत्र को दिया जाए, पात्र को देना चाहिए जो योग्य हो, जो लायक हो। तो भागवत उन्होंने अपने पुत्र को पिलाया, और फिर सुखदेव को ऐसा नशा लगा भागवत का, फिर निकल दिया आश्रम से पीने और पिलाने के लिए। ये नशे वाले लोगों की आदत होती है ना, वो चाहते हैं मेरी संख्या और बढ़े। आप देखना, शराबी शराब की बड़ी महिमा गाता है, बड़ी प्रशंसा करता है कि एक ढक्कन जरा पी कर तो देखो यार, क्या आनंद होता है, क्या सुरूर होता है। मैं जब छोटा था और संतों के साथ आया, तो कई महात्मा लोग ना वो गांजा माजा पीते थे, भांग खाते थे, त्यागी महात्मा लोग, बबूत लगाने वाले। तो कभी कभी उनके पास मैं बैठता था तो मुझे ऐसी महिमा गाते थे गांजा की कि बेटे आह क्या इसमें नशा है, क्या सुरूर है। एक बार पीकर जब बैठते हैं ध्यान में तो क्या ध्यान लगता है। कई बार मुझे कहा कि जरा तू भी ट्राई कर, मैंने कहा नहीं, मेरा ध्यान वैसे ही लग जाता है बाबा, मुझे आवश्यकता नहीं। इतनी महिमा गाते, उनके आसपास जो रहे उसको भी पकड़ाना चाहते हैं, हर नशे वाले की आदत होती।
आस पास जो बैठे होते हैं उसको जरा पूछ, भले ही चाय न पूछे लेकिन नशा जरूर पूछ लेगा। लोगे क्या, घर में मेहमान आ जाए तो उसको चाय न पूछे, चाय आए तो अकेले पी लेंगे, लेकिन नशे वाले जो लोग होते हैं वो जरूर बगल वाले को पूछेंगे, भाई चलती है क्या तुमको। सुखदेव को भी नशा लगा और सुखदेव भी निकले, ढूंढ रहे थे कि कहीं कोई पीने वाला मिले। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।